ए मुनीर, साला अब तक कोई काम किया नहीं, किसी गैंग के अंदर घुसे नहीं, और यहाँ पहुंच गए हम। क्योंकि मनिया मेरी जान, यहाँ सुहागरात मनाने के लिए शादी करने की जरूरत नहीं है। और वो देख, अरे वैसे भी मैं वो ब्रूस हूँ यार, जिसने 8 साल से ली नहीं। अभी देख तो लेने दे कि ऊपर वाले का दिया हुआ पुर्जा अब भी काम करता है कि नहीं। अरे करेगा बेटा, जंग हथियारों को लगता है, इरादों को नहीं। हाँ यार, और वैसे भी यहाँ कमी मजनुओं की है, ले रहा हूँ कि नहीं। रंडी भी औरत है और हर औरत की मर्जी होती है। ए! तू क्या बढ़वा इसका? पहली गलती तूने हाथ पकड़ के की, दूसरी हाथ उठाकर, तीसरी गलती करने की गलती मत करना, वरना इतना मारूंगा कि दर्द को भी समझ नहीं आएगा कि कौन से जख्म से बाहर निकलूं। वाह, औरत बाबा आदम के जमाने से हम मर्दों की मार रही है, एक सेब को क्या तरसी, हमें जन्नत से बेदखल कर दिया। पलट के देखा जब बादशाहों को, तख्ते पलट गए, तेरा क्या होगा? तूने जिसका हाथ पकड़ रखा है वो जुबैर की मोहब्बत है। मोहब्बत है तो मोहब्बत को कोठे पे नहीं, कोठी में रखते हैं, ताकि लोग जुर्रत कम और इज्जत ज्यादा करें। गलती उसकी नहीं है जुबैर, उसने हमारी हिफाजत की है। शुक्रिया। एक मिनट, मैं इस काम के पैसे नहीं लेता, कोई काम होगा तो बताना। ठीक, कल मोहम्मद अली रोड पे आ जा। मोहम्मद अली रोड पे कहाँ? बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं। अल्लाह हाफिज। शरीर में 206 हड्डियां हैं और संविधान में 1670 कानून, हड्डी से लेकर कानून सब तोड़ता हूं। फसल बरसात सूखती है, बादल के गरजने से नहीं। फसल उगानी होती तो गांव जाकर हल चलाता, बंदूक चलाने शहर नहीं आता। हाँ, ये तो ऐसे ही बोल रहा है भाई, हमें आपके साथ काम करना है बस। क्यों छोटे? जबान कुछ ज्यादा चलाता है। चाटने से चलाना अच्छा है। ये मेरा भाई है दिलावर, इसके सामने नजर या जबान ऊंची मत करना, समझा? क्या क्या, आज अगर रमजान का पहला दिन नहीं होता ना, तो मोहम्मद अली रोड के कसाई खाने में इसका गोश्त बिकता, समझा इसको? अपनी गली है भाई, अपनी गली में तो हर कोई शेर होता है। सिर्फ इसी गली में नहीं, बंबई की किसी भी गली में चले जा, शेर सिर्फ एक ही है, जुबेर इम्तियाज हक सर। ए, लेकर निकल अपने दोस्त को और दोबारा इस गली में कदम मत रखना। रखूंगा, और जिस दिन रखूंगा जंगल यही होगा, लेकिन शेर बदलेगा। तेरे को बोला था ना ज्यादा होशियारी मत करना, अब लग गई ना। अब इस शहर में एक भी गैंग हम दोनों को हाथ नहीं लगाएगा। नहीं जाना है किसी गैंग में, अब अपनी गैंग खुद बनाऊंगा। वो सब तो ठीक है,
लेकिन गैंग सिर्फ दो लोगों से नहीं बनती। गैंग में होगा कौन? क्या फर्क पड़ता है भाई, अबे एक बार बत्ती बंद हो गई अंधेरे में सब हेमा मालिनी और अपन बादशाह। भाई बादशाह चूतिया था जो उसने ताजमहल बनाया, तू होता तो क्या बनाता? कुतुब मीनार। क्यों? लंबा है और इतने सालों से खड़ा भी है बहनचोद। ये टेबल रिजर्व्ड है सर। क्या अब भी रिजर्व्ड है? नहीं सर सॉरी। किसके लिए रिजर्व्ड है? जुबेर भाई के लिए। साल के 365 दिन ये टेबल इस शहर की तरह इसके असली हकदार के लिए रिजर्व्ड रहता है। जगह जगह मूंद कर अपना इलाका कुत्ते रिजर्व करते हैं। शेर कब से करने लगे? कॉमेडी अच्छी करता है तो नया दिलावर बनने की बजाय नया महमूद क्यों नहीं बन जाता है? तुझे क्या लगता है, सड़क से दो चार लौंडे उठाने से, बेकार के पुलिस वालों को मारकर अखबार में फोटो छपवाने से तू इस टेबल का हकदार बन गया? हकदार तो मैं हूं, इस टेबल का भी और इस शहर का भी। लगता है तुझे हकदार और चौकीदार में ज्यादा फर्क नहीं पता। उसकी? नहीं, आज गुड़ी पाड़वा है और हमारे में गुड़ी पाड़वा पे हाथ नहीं उठाते। वैसे भी तेरे भाई का एहसान मंद हूं मैं, अगर उस दिन उसने हाथ नहीं उठाया होता तो आज मैं तेरे पीछे खड़ा होता। पीछे खड़ा होता और पीठ पे वार करता। जिस दिन करेगा मनिया सुरवे छाती पर वार करेगा। तो दुआ करूंगा ना वो दिन रमजान पे आए ना ही गुड़ी पाड़वा पे, ताकि ना तुझे भागने का मौका मिले और ना ही छुपने का रास्ता। ये तो उसी दिन देखेंगे कि कौन भागता है और कौन छुपता है। मनोहर क्या है ये, तू जेल से भागा है? नहीं, चार धाम की यात्रा करके लौटा हो, उम्र कैद हुई थी मुझे। नहीं भागता तो जिंदगी भर वही सड़ता। बंबई शहर का छटा हुआ गुंडा कहा है तुझे इस अखबार ने? गलत छापा है, गुंडा नहीं, इस शहर का बाप है मनिया सुबे, बाप। ये क्या हो गया तुझे? मुझे यकीन नहीं होता तू वही मनोहर है जिसे मैंने प्यार किया था। अरे मर गया वो मनोहर। तूने कभी अस्पताल में ईसीजी की मशीन देखी है? उसकी लकीर जब तक टेढ़ी चलती है आदमी जिंदा रहता है, जैसी सीधी हुई आदमी खत्म। वो मनोहर सीधा था इसीलिए मर गया, ये टेढ़ा है इसीलिए जिंदा है। वो कमजोर और बेवकूफ था, ये ताकतवर और चालाक है। वो निर्दोष था फिर भी उसे सजा काटी। मैं गुनेगार हूं लेकिन आज भी आजाद घूम रहा हूं। अरे एग्जाम में कॉपी करने से डरता था वो, और मैं आज मुझसे जमाना डरता है। मैं नहीं डरती मनोहर, और अगर तू ये सब नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। जैसे पहले छोड़ा था। हाँ कहां जाएगी तू? अकेली लड़की की साड़ी सफेद हो या रंगीन, जबरदस्ती उतारने वाले हरामियों की कमी नहीं है इस शहर में। अगर तू मेरे साथ रहेगी तो कोई तुझे छू नहीं सकेगा, समझी? तू तो छूएगा ना, और तुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं है, घिन आती है मुझे तुझसे। तुझे क्या लगता है मनिया सुरवे का बिस्तर गर्म करने वालियों की कमी है? जिसकी तरफ इशारा करूंगा सली दौड़ के आएगी। क्या कहा सादिक ने? क्यों स्टेटमेंट लिखेगा?
और फिर क्या अरेस्ट करेगा जैसे पहले किया था, क्या उखाड़ लिया वो करके? साले 10 दिन में हरामजादे बेल पे बाहर आ गए और ये हाल क्या साले की मौत समझाया जा रहा है, इसलिए तेरी उनकी आवाज बना, लेकिन मेरी बर्दाश्त को मेरी कमजोरी कमजोर पुलिस वाले तुमसे दूर तो है लेकिन बोली पुलिस की गोली में इतना लोहा है, एक बार ठोक दी ना तो जिंदगी पर तेरे खून में आयन की कमी नहीं होगी, समझा? ए, तो बाटला और लाला को जाकर ठोकना, यहां किसको गर्मी दिखा रहा है? जो भी अभी करना है ना वो हम करेंगे, ऊपर जो गया ना हमारे बाप से कम नहीं था, देख अब उस बाप के लिए कैसे ठोकते हैं मस्तानों की। ले जाए इसे, वरना मुंह बोले बाप के साथ अपने सगे भाई को भी खो देगा। जा रहे हैं, लेकिन तुम सब अब 2 लाशों के लिए तैयार हो जाओ, चल रहे। कुछ भी किया तुम भाइयों ने ना, तो 2 लाशें तुम्हारी होंगी। माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। और ये गुनाह तेरी आखिरी गलती थी लाला। गुमा क्या अंबट कटिंग पे कटिंग बड़ी चर्बी है तुम दोनों में, अभी तक यहीं बैठे हो। वो क्या है ना, जनरल नॉलेज है कि पुलिस हमेशा देर से आती है, सोचा यहीं इंतजार कर ले। गाड़ी में बैठो दोनों। वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास, पूरे मोहल्ले ने देखा है तुम दोनों को ये करते हुए। चिड़ियाघर में खड़ा है तू अंबर, यहाँ हर गवाह गांधी जी का नहीं हमारा बंदर है, जो ना हमारी बुराई सुनता है न देखता है न बोलता है। गवाह चाहिए ना तुझे, गवाह खुद चल के आएगा तेरे पास। माफ कर सो तेरी माँ की। भाई छोड़े, फिकर मत कर बाटला, तुझ पे इतने मेहरबान नहीं है कि तुझे इतनी आसान मौत दे दे। तेरा जिस्म जितना तड़पेगा सादिक मियां की रूह को उतना ही सुकून मिलेगा। नहीं सरकटी मुर्गी को देखा है भाई, भाई। कैसे फड़फड़ फड़फड़ाती है वो, जिस्म को यकीन ही नहीं होता कि उसका सर कलम हो चुका है। और वैसे ही फड़फड़ाते हुए तू पायदोनी पुलिस स्टेशन जाएगा। साहब, साहब, साहब मेरे को अंदर कर दो साहब, अंदर कर दो मेरे को साहब, मैं अपना हर गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूँ साहब। वो
चावला गेस्ट हाउस का जिम्मेदार मैं था साहब। सादिक को भी मैंने ही मारा और वो याकूब को भी मैंने खत्म किया साहब। मेरे हाथ किसने काटे? अरे ये मैंने खुद ही काटे हैं साहब। आपको मेरे पे जो केस थोपना है थोप दो, पर अभी मेरे को अंदर डाल दो साहब। ऐसा अंदर डाल दो ना साहब। ए चल चल अंदर डाल दो ना साहब। पेट्रोल भर दे साहब। सिगरेट पीना शेर को मारने से गीदड़ शेर नहीं हो जाता। हरामी साले गीदड़ हो इसीलिए झुंड में आयो। साले गीदड़ कहीं के जुबैर इम्तियाज अक्सर कल भी बादशाह था और आज भी बादशाह है। तो फिर बादशाह को मानिया सुरवे का आखिरी सलाम। हे दिलावर, देख बढ़िया सुरवे तेरी गली में खड़ा है। कौन है जो हमारी गली में भाग रहा है? होश से काम ले दिलावर। यहाँ छोड़ो। नीचे जाना, खुदकुशी है दिलावर। कहा था ना मैंने, जिस दिन मारूंगा छाती पर मारूंगा। कल का लौंडा साला इसको काटूंगा अभी यहीं के यहीं। बम्बे का नया बाप बढ़िया सुरवे। इस वक्त हमारे लड़के यहाँ नहीं है और सामान भी नहीं। चलना मरिया चलते, सुबह के बाद इनकी गैंग खत्म। हमारे सब आदमी तैयार है ना? सब बंदे तैयार हैं भाई। मन्या और उसके गैंग से एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। हमारी गली में भौंक कर गया कुत्ता। जरूरत पड़े तो अगर बाजार में आग लगा देना। साबिर भाई कहाँ है? अरे साबिर भाई कहाँ है? वो चित्रा के यहाँ गए थे। चित्रा के यहाँ इतनी देर कभी नहीं लगती उन्हें। कुछ तो गड़बड़ है भाई। जेजे हॉस्पिटल से फोन है।
सुन लड़का, सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना है। कोई हाथ नहीं लगाएगा भाई को, जितना काटना था काट दिया, अब काटने की बारी मेरी। जब तक भाई जिंदा था दिलावर पर लगाम थी, अब साला बेलगाम अंडरवर्ल्ड को दौड़ाएगा। जुबेर की कहानी यहां खत्म हुई, यहां से दिलावर की दास्तान शुरू होगी। मौत तो इनके घर हुई है, कल मातम पूरा शहर बनाएगा। इसी दिन के लिए सुलह कराई थी चाचा। ऐसी बात नहीं है बेटा, हम सब अमन चाहते थे, लेकिन जिसने भी ये किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। भाई मेरा गया है, बदला भी मेरा ही होगा। ये मुल्क आबाद रहे ना रहे, कब्रिस्तान जरूर बनेगा। खुदा हाफिज़। मनिया के बारे में बताया इसने कुछ? चलना, मेरी तबीयत खराब लग रही है, लगता है रात की बिरयानी हजम नहीं हुई। मैं आता हूँ। चूतिये, तेरा नाम जमाल नहीं जमाल गोटा होना चाहिए था। साले बिरयानी खाता कम है निकालता ज्यादा है। चल जा। सलाम मुनीर भाई। वालेकुम सलाम। तुझे खुदा के उस घर भेजूंगा जरूर, लेकिन अगर मनिया का पता बता देगा तो मौत इज्जत से पेश आएगी। मनिया का पता तो नहीं बताऊंगा, जो मौत दोस्त की उम्र बढ़ा दे वो मौत सर आंखों पर। अफसोस, एक कायर हिंदू के लिए मरेगा तू। एक सच्चा मुसलमान दोस्त के लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। दोस्ती का कोई मजहब नहीं होता।
मजहब तो दुश्मनी कभी नहीं होता। ठीक है, खुदा के इस घर से निकलते ही खुदा के उस घर जाने को तैयार हो जाए। दरगाह पर घेर लिया है। जा रहा है जो काम अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करने, दिलावर को उसके भाई के पास पहुंचाने। अगर खुदकुशी करनी है तो पंखे से लटक जा, दिलावर को अपनी जान तोहफे में क्यों दे रहा है? तुझे अब मुझ पे भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है मनिया, वक्त की है। वक्त की फितरत में ही बेवफाई है। कल हमारी गोद में बैठा था, आज उसकी। तो तू क्या चाहता है कि मैं चूहे की तरह डर के मारे बिल में छुपा रहूं? हाँ, ताकि हमने जो गलती की आज वो कर सके, हमें कमजोर समझने की गलती। और फिर जब वक्त दोबारा पलटी मारेगा तब तू दिलावर को मारेगा। ठीक है, मैं अभी तेरी बात मान लेता हूं, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक छुपने वाला नहीं हूं। खुले मैदान में सांप को मारना ज्यादा आसान है, वो बिल में घुस गया तो उसके जहर से बचना नामुमकिन है।